जो कि लिगेसीज हैं ऑफ पास्ट एक्ट की. ठीक हो गया. अब देखते हैं, कैरेक्टर इज फॉर्मल थ्रू एक्शन. कैरेक्टर फॉर्मल होता है अपने एक्शन की वजह से. इज रिवील्ड थ्रू एक्शन, अपने थ्रू एक्शन वो फॉर्मल होता है. अब मैं किस फॉर्म में आ गई हूँ, मैं टीचिंग फॉर्म में आ गई हूँ. ठीक है, मैं एक, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ. मैं ये तो नहीं कह रही ना हांडी बर्तन चमचों की बात नहीं कर रही, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपसे उसी टर्म में बात कर रही हूँ, एक फॉर्मल वे में बात कर रही हूँ. और मैं किसके थ्रू, एक्शन के थ्रू हूँ. और मैं रिवील कैसे होती हूँ, थ्रू एक्शन के. जी टीचर है, ट्यूटर है. ठीक हो गया. वेन अरिस्टोटल टॉक्स ऑफ ट्रेजेडी विदाउट कैरेक्टर. जब अरिस्टोटल ने ये बात की थी कि ट्रेजेडी जो है वो विदाउट कैरेक्टर है, ही मींस दैट द ड्रामेटिक पर्सनेज डू नॉट रिवील देयर कैरेक्टर, तो उसका ये मतलब नहीं था कि कैरेक्टर होना ही नहीं चाहिए ट्रेजेडी में. वो ये बताना चाह रहा था कि ये जो ड्रामेटिक पर्सनेज है वो रिवील नहीं हो सकता कैरेक्टर. ऐसा नहीं कि कैरेक्टर को जी आप निकाल ही दे पकड़ के और कैरेक्टर ही नहीं होगा, सारी कहानी कहानी होगी. तो फिर उसने कहा था, उसका ये बिल्कुल मकसद नहीं था ये कहने का कि जी कैरेक्टर होगा ही नहीं, खाली प्लॉट होगा तो ट्रेजेडी हो जाएगी. भाई बादशाह मलका या ईडिपस रेक्स के अंदर उसकी माँ ना होती, उसका बाप ना होता, बाकी सारों को वो कत्ल ना करता, तो कहानी यहाँ तक पहुंचती ना. तो कैरेक्टर रिवील किसके थ्रू हुआ कि वो ये किंग है, ये क्वीन है, ये उसका किंग का बच्चा था, ये क्या था, इसने उसको कत्ल किया था, टेरिसियस ब्लाइंड था, ये सारी चीजें कैसे रिवील हुई, ये एक्शंस ऑफ कैरेक्टर के थ्रू. ठीक है, तो उसका ये बिल्कुल कहने का मकसद नहीं था, उसका ये मतलब था कि जो ड्रामेटिक पर्सोनेजेस हैं वो अपने आप को रिवील नहीं कर सकते अपना कैरेक्टर अगर जो है प्लॉट ना हो तो. देयर मॉरल बेंट व्हिच मेक देम एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर. तो ये उनका मॉरल बेंट, वो अपने कैरेक्टर को इस मॉरल बेंट के थ्रू रिवील कर ही नहीं सकते, वो पर्सोनेज जो कि उनको पर्टिकुलर मैनर में एक्ट करने पर मजबूर करता है. This moral bent is revealed in the person purpose of an action. अब आप देखें, बाज हम ड्रामा देखते हैं, कुछ ऐसी भी पुरानी, वो जो गब्बर सिंह का जो कैरेक्टर है आज भी बड़ा मशहूर है, और उसका कोई आई थिंक कोई था उसका क्या कहते हैं, कोई उसका डायलॉग था, किसी को याद है? अच्छा, वो गब्बर सिंह क्यों इतना मशहूर हुआ था, वो अपने डायलॉग की वजह से मशहूर हो गया था, प्लॉट ऐसा था उसका. दूसरा वो जो नवा आया है सोनिया, वो अक्सर ही आज भी शुरू हो जाता है. ठीक है, वो मेरे ख्याल से सुल्तान राही और एक और कोई कैरेक्टर था, अब दूसरे का मुझे नाम याद नहीं है. ठीक है, तो वो नवा आया सोनिया जो है ना, वो बड़ा मशहूर. अब वो नवा आया सोनिया, अब सुल्तान राही के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ था कितने आदमी थे. हाँ जी हाँ जी, वही वही गब्बर सिंह का, कितने आदमी थे, लेडी मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है. और वो जो नवा आया सोनिया में, एक तो सुल्तान राही था, दूसरा कौन था? हाँ जी, मुस्तफा कुरैशी. ठीक है, अब कहने को तो वो मुस्तफा कुरैशी और वो थे, लेकिन वो उनके कैरेक्टर रिवील्स कैसे हुए, प्लॉट की वजह से. ठीक है, बैंड ऑफ कुछ मोरल बैंड की वजह से उनके कैरेक्टर, नहीं तो मुस्तफा कुरैशी या गब्बर सिंह जो है, पता नहीं अब उस गब्बर सिंह का एक्चुअल नाम क्या था, कोई मुसलमानों वाला नाम था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता. तो एक्चुअली वो उसका मॉरल बेंट था जिसकी वजह से कैरेक्टर रिवील हो रहा था. दिस मॉरल बेंट इज रिवील्ड इन द पर्सन ऑफ एन एक्शन. हाँ जी, अमजद खान था जी उसका नाम. स्टूडेंट को सारा कुछ पता है, बड़ी मेमोरी है भाई. अच्छा जी, देयर मॉरल बेंट व्हिच मेक्स देम एक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर. देयर मॉरल बेंट इज रिवील्ड इन द पर्पस ऑफ एन एक्शन. मेरे ख्याल है अब समझ आ गई होगी एक्शन और उसकी ना सारी. अब गब्बर सिंह की जो बात हो गई, अब फिल्मों की बात हो रही है ना, अब आनी है समझ सारी कैरेक्टर और उसकी. अभी दो चार और फिल्मों की स्टोरी सुनाऊंगी, देखें कैसे समझ आता है. अच्छा जी, दिस मॉरल बेंड इज रिवील्ड इन द पर्पस ऑफ एन एक्शन एज वेल एज इन द मींस अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट दैट एक्शन. इन सब प्लेस द मॉरल बेंड नीड टू नॉट बी रिवील्ड बिकॉज देयर इज नो सिचुएशन विट डिमांड्स अ पर्सन टू मेक अ चॉइस. और कुछ प्लेस के अंदर मॉरल बेंड जो है वो नीड नॉट टू बी रिवील्ड, उसके अंदर मतलब उसकी जरूरत नहीं होती कि नीड नॉट टू बी रिवील्ड, के मॉरल बेंड उसके अंदर रिवील ही नहीं होता, बिकॉज देर इज नो सिचुएशन विच डिमांड्स अ पर्सन टू मेक अ चॉइस. जैसे फिर्स का हमने कैरेक्टर देखा चेरी ऑर्चर्ड में, ठीक है, वो कैरेक्टर रिवील ही नहीं हुआ क्योंकि उसका बेंड दिखाया ही नहीं गया, वो बस सर्वेंट था, वो सर्वेंट ही रहा. देर में not be a situation in which the person has to decide on course of action
और शायद उसके उस ड्रामा के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं कि वो कोई पर्सन जो है वो डिसाइड करता कोर्स ऑफ एक्शन. एक्शन किसे कहते हैं? चेंज. चेंज को कहते हैं ना. हमने एक्शन की डेफिनेशन क्या पढ़ी, तो फिर्स के कैरेक्टर में देखा हमने कोई चेंज ही नहीं आया था. चैरी ऑर्चर्ड में जो फिर्स का बूढ़े फिर्स का जो कैरेक्टर हमने पढ़ा था, ठीक है. और कौन से? इडिपस रेक्स में देख लें, वो जो इर्द गिर्द की आवाम थी तो उसमें कुछ जरूरत ही नहीं थी, ठीक है. इसी तरीके से वो जो था क्रियोन था वो क्रियोन ही रहा, उसी तरीके से ही रहा, नो चेंज इन एक्शन, ठीक है. और बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स थे. तो व्हाट कैरेक्टर डिपेंड्स अपॉन द प्लॉट. प्लॉट के अंदर उनको कोई इस तरह का टास्क दिया ही नहीं गया कि वो कोई एक्शन करते. एज सच इन द एब्सेंस ऑफ द नीड टू मेक अ चॉइस, उनके पास कोई एब्सेंस थी, सॉरी मे नॉट बी आर सिचुएशन नीड टू मेक अ चॉइस. उनके पास कोई ऐसी सिचुएशन ही नहीं थी जिसमें कोई नीड टू मेक अ चॉइस होती, यानी कि चॉइस होगी तो आप चेंज करेंगे ना अपने आप को. अ मॉरल चॉइस इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिवील्ड. कैरेक्टर ऑफ द पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता कि वो अपने आप को रिवील करें. इन सच ए ट्रेजेडी ऑल दैट मैटर्स इज द प्लॉट. इन ट्रेजेडीज के अंदर जो चीज मैटर करती है वो प्लॉट करता है. क्यों? क्योंकि कैरेक्टर रिवील ही एक्शन की वजह से होता है. दिस ट्रेजेडी इज पॉसिबल विदाउट कैरेक्टर बट इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लॉट. आगे चलते हैं. इट विल बी नोटेड दैट द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग अ चॉइस विच रिक्वायर्स डिलिबरेशन, जो कि रिक्वायर करती है डिलिबरेशन को, एंड थॉट अबाउट द मींस इज कंडक्टिव टू द इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर. एरिस्टोटल्स थ्योरी डज अलाउ फॉर इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर. अब अगर हम नेसेसिटी ऑफ मेकिंग चॉइस को देखें तो उसमें क्या रिक्वायर है? डिलिबरेशन है और थॉट है. अबाउट द मींस इज कंडक्टिव टू इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर. कि अगर हम नेसेसिटी ऑफ मेकिंग चॉइस को देखें तो वो क्या है? इज कंडक्टिव टू, वो इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर्स के ऊपर बेस करती है. अरिस्टोटल थ्योरी डज अलाउ फॉर अलाउज फॉर इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर्स. तो अरिस्टोटल की ये जो थ्योरी है ये किस पे बेस करती है? इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर्स के ऊपर. ईच सिचुएशन विच डिमांड अ चॉइस फ्रॉम सच कैरेक्टर. और हर सिचुएशन एक चॉइस डिमांड करती है इन कैरेक्टर से. ईच चॉइस वुड रिक्वायर डिलिबरेशन एंड थॉट. और यही चॉइस होती है जो कि रिक्वायर होती है, रिक्वायर करती है डिलिबरेशन और थॉट को, विच वुड बी एक्सप्रेस इन देयर स्पीच. और वो चेंज, देखें एक कैरेक्टर से कहा जाता है भाई, अब ईडिपस रेक्स जो कि बहुत हंसी खुशी वाला बादशाह था, हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था, एक प्रॉस्पेरस लाइफ गुजार रहा था, बेशक यहाँ पे लिख भी दीजिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा ईडिपस रेक्स की जैसे मैं आपको बता रही हूँ. अब उससे प्लॉट ने डिमांड किया, वो वहां की चॉइस ने जो रिक्वायर हुई. अब वो ईडिपस से जब पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी किस्मत में तो ये लिखा था कि तुम अपने बाप का कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे, लेकिन ये तुम्हारी आंखें किसने फोड़ी? तो उसने कहा था कि मेरी अपने हाथ जो हैं उन्होंने आंखें फोड़ी थी, ठीक है, मुझे ब्लाइंड करने वाले मेरे अपने हाथ थे, वो मेरी किस्मत नहीं थी, राइट. अब क्या था, उसके पास ये चॉइस थी कि चले उससे ये सारा कुछ हो गया, वो रिवील हो गया, डिस्कवरी हो गई. अब उसके पास चॉइस थी कि वो अंधा रहना पसंद करता था या नहीं करता था. उसने अंधा रहना पसंद किया. He has to be blind. ठीक है, उसने अपने आप को चूज किया कि वो ब्लाइंड हो गया. चॉइस आ गई, मैटर ऑफ चॉइस आ गया, ठीक हो गया. अब वो क्या कहता है, मैटर ऑफ चॉइस की बात हो गई, ठीक हो गया. तो उसने कहा था कि चॉइस वॉज माई ऑन. वो जो आप देखते हैं ना कि जी फेट या ये ईडिपस खुद था जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ, उसका हमारशिया था या फेट इन्वॉल्व थी, ये क्वेश्चन आता है ना, इट इज द मैटर ऑफ चॉइस. ठीक है, इट इज द मैटर ऑफ चॉइस. आंखें किसने फोड़ी थी? ईडिपस ने खुद फोड़ी थी. अब इसमें फेट का कसूर नहीं था. उसने अपनी माँ के, अपनी बीवी के बालों से ब्रोचेस निकाले थे और उसने अपनी आंखों में घोंप लिए थे. ठीक है, तो ईच सिचुएशन वुड डिमांड अ चॉइस. हर सिचुएशन एक डिमांड करती है एक चॉइस को फ्रॉम सच कैरेक्टर, इस तरह के कैरेक्टर से, लाइक ईडिपस रेक्स. दिखिएगा यहाँ पे कि जी ईडिपस रेक्स से अब उस सिचुएशन ने, उस प्लॉट ने ये डिमांड किया था कि अब वो क्या करता है. उसने अपनी आंखें फोड़ी.
Each choice would require deliberation and thought, which would be expressed in their speech. Such speeches would be in the nature of presentation of action. और ये speeches, parent पे उसने एक speech की थी, याद है सबको? ठीक है, अब क्या है? ये speech जो है, वो nature of presentation of action को show करती है. जब उससे पूछा गया था, फिर उसने speech की थी ना? For they reflect an inward mental activity. वो जो Oedipus Rex ने end पे speech की थी, उसकी inward mental activity को उसने show किया था. An inward activity which would soon be manifested externally, जो कि एक ऐसी inward activity जो कि manifest होने जा रही है externally. ठीक है, they would reflect the inward movement towards the choice. और वो inward movement towards the choice उसको show करता है. Ultimately made by the dramatic character, जो कि ultimately एक dramatic character जो है वो show करता है. उसकी movement जो है उसको reflect करता है. समझ आई कुछ बात गब्बर सिंह वाली? ठीक है, तो ये है जनाब सारा कैरेक्टर. गब्बर सिंह रिवील हुआ अपने मैटर ऑफ चॉइस की वजह से. ठीक है, इसी तरीके से नवा आया सोनिया, वो क्या से रिवील हुआ था? अपने कैरेक्टर मैटर ऑफ चॉइस की वजह से. Oedipus Rex उसका डाउनफॉल हो गया था एंड पे, दैट वाज द मैटर ऑफ चॉइस. आंखें फोड़ता कि नहीं फोड़ता, और वो क्या था? वो उसकी इनर इनवर्ड एक्टिविटी थी जो चल रही थी, जिसकी वजह से उसने अब यहाँ पे आके कैरेक्टर रिवील होता है. इन प्रोमेथियस देयर इज नो आउटवर्ड मोमेंट, द मेन सिचुएशन एट द एंड इज व्हाट इट वाज एट द बिगनिंग. देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ टू ह्यूमन सुपर ह्यूमन विल्स, नाइदर ऑफ विच कैन सरेंडर टू द अदर, येट द डायलॉग इज नॉट मेयर कन्वर्सेशन. ईच ऑफ प्रोमेथियस स्पीच इज अ स्टेप ऑफ फॉरवर्ड इन द एक्शन. अच्छा, प्रोमेथियस आई थिंक सो, जहां तक मुझे याद है, ये दो गॉड्स थे जिनका आपस में जो है वो दिखाया था, और दोनों सरेंडर करने को तैयार नहीं थे. ठीक है, हिज वर्ड्स आर इक्विवेलेंट टू डीड्स, दिस इज एक्शन दो नॉट कंसिस्टिंग ऑफ आउटवर्ड डूइंग. उनके खाली वर्ड्स थे जो इक्विवेलेंट टू डीड्स थे. दस वी फाइंड सम ऑफ ग्रीक प्लेस वर्ड नॉट ओनली डिवाइड ऑफ इंट्रिकेट प्लॉट्स बट प्रेजेंटेड एन अनचेंजिंग सिचुएशन. सिमिलरली इन मिल्टन Samson agonistes, the speeches of Samson from an integral part of the action. और इसमें आप Oedipus की speech के बारे में भी लिख सकते हैं कि जब उसने आंखें फोड़ी थी तो उसके बाद वो किस तरीके से उसका character reveal हुआ था. क्योंकि जब भी हम tragedy की बात करते हैं तो बेटा Sophocles का Oedipus Rex ही ideal tragic hero है. Character is realized through action, enters subordinate to plot. अब हम finally इसको conclusion पर लेके जा रहे हैं कि character जो है so realized through action, और इसलिए वो subordinate होता to the plot. It has to be realized that dramatic character exists through what they say or not. ठीक है, अब आप इस चीज पे मान गए होंगे कि मैम भी सही कह रही थी, अरिस्टोटल भी सही कह रहा था. ठीक है, कि character जो है ना, dramatic character, वो exist होता है through what they say or not. वो reveal होता है उसने क्या किया है और क्या नहीं किया. The character is actualized through action. कैरेक्टर एक्चुअलाइज होता है अपने एक्शन से. हम कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. व्हाई हम ये क्यों कहते हैं? हम कैरेक्टर के बारे में क्यों नहीं कहते कि कैरेक्टर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स? इस पे आज जरा बैठ के सोचिएगा. ठीक है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. आपके एक्शंस बताते हैं कि व्हाट आर यू, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द पर्सन दैट लीड्स टू आइदर हैप्पीनेस और मिजरी. और ये इंसान के अपने एक्शंस होते हैं जो कि उसको हैप्पीनेस और मिजरी की तरफ लीड करते हैं. जैसे कुरान मजीद में लिखा है ना, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं जो तुम्हें, इंसान के साथ जो भी बुरा होता है वो उसके अपने अमाल का नतीजा होता है, और जो उसके साथ अच्छा होता है वो अल्लाह की रहमत होती है. ठीक है, द प्लॉट इज द ग्राउंड वर्क और द डिजाइन थ्रू द मीडियम ऑफ विच एथोस ड्राइव्स इट्स विनिंग. द प्लॉट जो है वो एक ग्राउंड वर्क है और डिजाइन है थ्रू द मीडियम ऑफ विच एथोस ड्राइव्स इट्स विनिंग, जिसमें एथोस जो है अपना मीनिंग जो है ड्राइव करता है. और एथोस किसे कहते हैं? अभी पढ़ा था, कौन बताएगा? व्हाट आर द एथोस और डायनोसिस? क्लास पहला कैरेक्टर के अंदर एथोस और डायनोसिस अभी पढ़ाया था मैंने. क्या होता है एथोस? हाँ जी, दिमाग लड़ाए. एथोस क्या होता है? मोरालिटी बेटा. ठीक है, मोरल एक्ट को कहते हैं मोरालिटी, मोरल एलिमेंट्स. यस, अच्छा जी, उसके बाद जो है, और डायनोसिस किसे कहते हैं?
चले जनाब, और ठीक है जी, इकरा ने भी बता रही है। अच्छा जी, उसके बाद जो है, इट इज द एक्शन ऑफ पर्सन दैट लीड्स टू आइदर हैप्पीनेस और मिजरी, द प्लॉट इज द ग्राउंड वर्क और द डिजाइन थ्रू द मीडियम ऑफ व्हिच एथोस ड्राइव्स इट्स मीनिंग एंड ड्रामेटिक वैल्यू। द मोस्ट ब्यूटीफुल कलर सेज अरिस्टोटल लेट ऑन कंफ्यूजली विल नॉट गिव एज मच प्लेजर एज द चॉक आउटलाइन ऑफ द पोर्ट्रेट। अब वो कहता है, अरिस्टोटल ने कहा था कि जो मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स है ना, लेड ऑन कंफ्यूजली, जो कि कंफ्यूजली कलर किए होते हैं। मैम वो मोरल एलेक्टर का। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बेटा, अच्छा, मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स जो हैं, लेड ऑन कंफ्यूजली, जो कि कंफ्यूजली ले किए होते हैं, विल नॉट गिव एज मच प्लेजर एज द चॉक आउटलाइन। वो इतना ज्यादा प्लेजर नहीं देते एज चॉक आउटलाइन ऑफ द पोर्ट्रेट, जैसे चॉक आउटलाइन होती है ऑफ अ पोर्ट्रेट। एथोस डाइवोर्स फ्रॉम प्लॉट इज लाइक अ डॉब ऑफ कलर, और अगर एथोस को हम डाइवोर्स कर देंगे, निकाल देंगे फ्रॉम प्लॉट, ये एक डॉब ऑफ कलर है, ब्यूटी इन इट सेल्फ, बट विच अपार्ट फ्रॉम गिव्स लिटल प्लेजर, लेकिन जो दूर रह के भी एक लिटल प्लेजर जो है वो देता है। अ प्ले इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स इन एनिमेटिंग प्रिंसिपल इज द प्लॉट, उसका जो एनिमेटिंग प्रिंसिपल है वो प्लॉट है। एथोस की बात हो रही है, ठीक है, मोरल एक्शन की बात हो रही है, मोरालिटी की बात हो रही है। वो कहते हैं कि प्लॉट जो है ना वो ग्राउंड वर्क है, और वो डिजाइन होता है थ्रू द मीडियम जिसमें एथोस जो है अपने मीनिंग ड्राइव करते हैं और ड्रामेटिक वैल्यू को ड्राइव करते हैं। और अगर ये मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स जो है, यही मोस्ट ब्यूटीफुल कलर्स, यानी कि एथोस को वो कह रहा है, लेड ऑन कंफ्यूजली, इनको कंफ्यूजली ले किया जाए, विल नॉट गिव एज मच प्लेजर एज चॉक आउटलाइन ऑफ द पोर्ट्रे। और अगर इन कलर्स को मतलब आप देखिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन चॉक आउटलाइन जरूर समझ आ रही होती है। तो वो अंदर के कलर्स को, वो जो आपकी बाउंड्री होती है, चॉक आउटलाइन होती है ऑफ द पोर्ट्रेट, वो बड़ा खूबसूरत बना रही होती है। तो एथोस अगर डाइवोर्स कर दिया जाए प्लॉट से, तो ये एक डॉब ऑफ कलर है, ब्यूटीफुल इन इटसेल्फ है, बट विच अपार्ट फ्रॉम गिव्स लिटल प्लेजर, लेकिन जो एक, अगर उसका दूर रह के भी वो एक लिटल प्लेजर देता। अ प्ले इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट्स एनिमेटिंग प्रिंसिपल इज द प्लॉट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। प्ले जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इसका एनिमेटिंग प्रिंसिपल क्या है, वो प्लॉट है, और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, विदाउट इट द प्ले कुड नॉट एग्जिस्ट, इसके बगैर प्ले एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज द प्लॉट विच गिव्स टू प्ले इट्स इनर मीनिंग एंड रियलिटी, और ये प्लॉट है जो कि प्ले को उसका इनर मीनिंग और रियलिटी देता है, एज द सोल डज टू बॉडी, जैसे सोल जो है बॉडी को देती है। द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेजेडी लाइज इन द प्लॉट, इट इज थ्रू द प्लॉट दैट द एंड और द इंटेंशन ऑफ ट्रेजेडी इज रियलाइज, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच प्रोड्यूस द इमोशनल इफेक्ट स्पेशल टू ट्रेजेडी। इन द प्लॉट देयर आर रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड डिस्कवरीज विच मोस्ट पावरफुली अवोक द ट्रेजिक फीलिंग, दिस प्लॉट इज सुप्रीम एंड कैरेक्टर इज सबऑर्डिनेट टू इट, सेज अरिस्टोटल। तो उस अरिस्टोटल ने कहा था प्लॉट जो है वो सुप्रीम है और सबऑर्डिनेट है किसका, कैरेक्टर का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद वो क्या कहता है, अरिस्टोटल डॉक्ट्राइन डिस्प्यूटेड बाय मॉडर्न क्रिटिक्स, मॉडर्न क्रिटिक्स हैव एसेड द डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइमरी importance of plot as propounded by Aristotle, they are argued that plot is mere external framework, a piece of mechanism devised to illustrate the working of character. The character of a person lies in thought prior to action and is implied. Events have no meaning or interest except in so far as they are supposed to proceed from them. A man's character defines, expresses and interprets action, but the issue has been confused by such questions. The actual question is not whether one element can be shown ultimately to contain to the other. The question is what of the two is more fundamental as regards the artistic conception and dramatic structure. Question ye nahi hai ki man's character define, express karta, interpret action ko, but the issue has confused by, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि दोनों एलिमेंट में से कैन बी शोन अल्टीमेटली टू कंटेन द अदर, क्वेश्चन है विच ऑफ द टू इज मोर फंडामेंटल।
कि दोनों में से ज्यादा फंडामेंटल प्राइमरी कौन सा है. ये नहीं है कि भाई एक को बिल्कुल ही निकाल दें तो दूसरे को रख लें तो फिर पता नहीं ड्रामा कंप्लीट हो जाएगा. एज रिगार्ड्स द आर्टिस्टिक कंसेप्शन एंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्ले, एक्शन इज द फर्स्ट नेसेसिटी टू द प्ले, बट मेयर एक्शन इज नॉट एनफ. एक्शन टू बी ड्रामेटिक मस्ट स्टैंड इन रिलेशन टू सर्टेन मेंटल स्टेट. एक्शन जो है टू बी ड्रामेटिक उसको इन रिलेशन टू सर्टेन मेंटल स्टेट जो है उसको स्टैंड करना चाहिए. वी लाइक टू सी द फीलिंग्स आउट ऑफ विच इट ग्रोज, द मोटिवेटिंग फोर्स ऑफ विल विच कैरीज इट आउट टू द एंड. ड्रामा इज विल और इमोशन इन एक्शन, बट इन रियल लाइफ ऑल मेंटल एक्टिविटी डज नॉट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन आउटवर्ड एक्टिविटी. हाउएवर द एक्शन ऑफ ड्रामा cannot consist in an inward activity that does not go beyond the sphere of thought and emotion. Everywhere the main interest is concerned in internal conflict, this conflict must manifest itself in individual acts and in concrete relations with the world outside. The action and reaction with the mind itself become dramatic only when they are brought out in a plot which gives them significance. In this connection, Butcher observed that only certain characters are capable of dramatic treatment. Passive characters are not fit for drama. Passive यानी कि inactive characters, जो slow characters होते हैं, वो fit for drama नहीं होते. Plot is not, as some critics says, a mere external or an incident of the inner life. In the action of drama, character is revealed and defined. Plot does not overpower character, it is the very medium through which character is discerned. ये जो very medium है, इसके through character discern होता है. अच्छा जी, फिर वो है entrant, the trend in modern drama. Modern drama shows a marked tendency to lay greater stress on delineation of individual character. Greek dramatists of the ancient age were to some extent impeded in development of character because of the ready material they had to work with. They were more or less confined to a group of legends whose main outlines were already fixed. The freedom of Greek poet in delineating character was restricted by choice of subject matter. Modern drama brings us an other world. A richer and more varied inner life is opened up. The sense of personality is developed. Characters become more complex. Actions tend more and more to take place within the human mind itself. The frontier between action and passion threatens to fade away. In Shakespeare, character assumes infinite variety. Contradictory elements are brought together, contradictions which do not yield to psychological analysis. Love's honor, ambition, jealousy are prevailed motives of modern tragedy. But Shakespeare, while deepening the subjective personality of man, does not lose sight of objective. ठीक है, उसने खाली सब्जेक्टिव के ऊपर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ लाइफ भी देखा था. ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? इम्पर्सनल एंड करस्पॉन्ड फेजेस ऑफ कैरेक्टर. ही मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन दीस टू साइड्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस. यानी कि उसने इनर एंड आउटर एक्सपीरियंस दोनों के ऊपर नजर रखी थी, एक बैलेंस मेंटेन किया था. ही डज नॉट परमिट द ड्रामेटिक एक्शन टू बिकम सबसर्वेंट टू द पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर. Hamlet, as F.L. Lucas says, could be said to be the first modern man who realized that action is transitory, a step, a blow, the motion of muscle, this way of that, this done. And in the after vacancy, we wonder at ourselves like men betrayed. Suffering is permanent, obscure, and dark, and sheer the nature of infinity. Achha, हेमलेट के अंदर कुछ ऐसे हुआ था कि हेमलेट ने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना था. और दैट इज द सेम स्टोरी, कोई एक इंडियन मूवी आई थी जिसके अंदर भी कोई कत्ल का बदला लिया गया था. ठीक है, और वो थ्रू ख्वाब जो है वो आता है कि जी इस बंदे ने उसका कत्ल किया है. और हेमलेट सेम वही मूवी है, और फिर उसका जो बेटा है वो बदला ले लेता है. ठीक है, कुछ इस तरीके से. और इस तरह की इंडियन मूवीज कॉमन है, जिस तरह की हैमलेट एक स्टोरी थी. लेकिन उसके अंदर उसकी जो सफरिंग होती है, वो उसकी इनर सफरिंग को ज्यादा दिखाया गया है. कि वो कहता है, हैमलेट कहता है, सफरिंग इज परमानेंट, ऑब्स्क्योर एंड डार्क एंड शेयर्स द नेचर ऑफ इन्फिनिटी. इन हैमलेट इट इज ट्रू दैट कैरेक्टर बिकम्स ड्रामेटिक बाय इंटेलेक्चुअल एंड मास्टरी इन एक्टिविटी. अब उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है,
जी वो जो उसको भूत नजर आया था, वो जो गोस्त नजर आया था जो उसके फादर का था, और जिसने उसको ये बताया था कि भाई मेरा जो कत्ल है वो तुम्हारे चचा ने किया है, तो रादर देन के वो किसी इवल, कोई मतलब शैतान भी हो सकता है, कोई इवल भी हो सकता है, इवल स्पिरिट भी हो सकता है, या वो उसके अपने ही फादर का था, तो वो उसके दिमाग में ना एक चपकरिश सी चल रही होती है, कंफ्यूजन चल रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ माइंड्स जो है उसके अंदर ज्यादा दिखाया गया है शेक्सपियर ट्रेजेडी के अंदर. तो इट इज ट्रू दैट कैरेक्टर बिकम ड्रामेटिक बाय इंटेलेक्चुअल मास्टरली इन एक्टिविटी. तो उसमें एक क्वेश्चन आता है हैमलेट के अंदर, क्योंकि उसमें ना उसकी जो मेंटल डिस्टॉर्शन है वो ज्यादा दिखाई गई है रादर देन कि उसका एक्शन. तो अक्सर हैमलेट के ऊपर क्रिटिक्स ये कह देते हैं कि जी हैमलेट ने कोई एक्शन क्यों नहीं किया, मतलब उसका एक्शन व्हाई, उसके जो एक्शंस थे वो इतने ज्यादा डिलेड थे. उसको इनएक्टिव कैरेक्टर भी कहा गया कि उसका जो वो जो उसका कैरेक्टर था क्यों इतना अरसा इनएक्टिव रहा, और उसने क्यों कोई स्टेप नहीं लिया. स्टेप उसने तब लिया जब बहुत ज्यादा पानी सर से गुजर गया था, लेकिन उसके अंदर एक्चुअली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर वो ड्रामा लिखा हुआ था. विच ऑफर्स रेजिडेंसेस टू द रिकॉग्नाइज्ड मेड आउट क्लियरली दैट प्रॉम्प्ट ऑर्डिनरी मेन टू एक्शन एवरी सीन टू ब्रॉट अबाउट बाय एक्ट्स ऑफ अरेस्ट वायलेशन एंड नॉट बाय एनर्जी ऑफ फ्री विल. और इवेंट्स जो हैं सीम टू ब्रॉट अबाउट बाय एक्ट्स ऑफ अरेस्ट वायलेशन, और इवेंट्स जो हैं उनको ब्रॉट अबाउट किया गया बाय एक्ट्स ऑफ अरेस्ट वायलेशन और नॉट बाय द एनर्जी ऑफ फ्री विल. फ्री विल की एनर्जी से उनको जो है वो मतलब नहीं मतलब शो किया गया. वी फाइंड दैट इन एक्शन इज इंडीड एन एक्टिव फोर्स मेकिंग हैमलेट डिजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि उसका जो इन एक्शन था वो भी एक एक्टिव फोर्स थी जो कि हैमलेट को डिजिस्ट करती है फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि उसके दिमाग में जो इतनी सारी के करूं के ना करूं, टू बी एंड नथिंग, मतलब टू बी एंड नॉट टू बी, सो इस तरह से कोई इसका एक कोट था जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है हैमलेट का, वो यही इसी को शो कर रहा होता है. जस्ट एज सम मैन आर कंपेल्ड टू एक्ट, जैसे कुछ इंसान होते हैं उनको कंपेल किया जाता है वो एक्ट करें, हैमलेट हैज दिस एनर्जेटिक रेजिस्टिंग फोर्स, एंड हैमलेट के अंदर ये एनर्जेटिक रेजिस्टिंग फोर्स थी, ठीक है, जो कि उसको कुछ कंपेल तो कर रही थी कि वो कुछ करे, लेकिन ये रेजिस्टिंग फोर्स थी जो उसको रोक रही थी. विच स्टॉप्स हिम फ्रॉम एक्टिंग, जो कि उसको एक्ट करने से रोक रही थी. दस द नॉन एक्टिंग इटसेल्फ बिकम्स अ फॉर्म ऑफ एक्शन, तो वो नॉन एक्टिंग जो है इटसेल्फ जो है वो उसका फॉर्म ऑफ एक्शन बन गया हैमलेट का. There is increased tendency to exhibit character in growth in successive stages or development. A Greek tragedy takes a few significant scenes out of a hero's life. These are bound together by casual relationship and made to constitute a single centrated action. The modern would not have such concentrated action. They would include much more than the Greek dramatist. In modern drama, the dramatic theme often encompasses the whole process, beginning at the moment when a deed is dormant in the mind until it has developed into action and brought about its consequences. The period encompasses by the action is large. It is natural that the character should also expand in new and complex characters. Complex direction. The ancient stage gives us no such example of character development as we have, for instance, in Macbeth. The mystery of the human personality becomes of supreme interest in modern drama, starting with Ibsen. He fastens on contrast between what man dreams of, what we really is, and work towards the culminating moment of disillusionment. Strindberg dramatized observe egotism, and Chekhov celebrate the frustrated and inarticulated hero. There is an impulse towards self-discovery which splits up human psyche into abstraction, the theater of soul. Modern drama has indeed brought the delineation of character into new and stronger relief. ठीक है, आगे बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जस्ट पढ़ लीजिएगा. कैरेक्टर एंड प्लॉट शुड बी हार्मोनाइज्ड ब्लेंड इन ट्रेजेडी, इसको एक दफा पढ़ लें, बल्कि बस कंक्लूजन आया ही आया, थोड़ा सा समरी कर लें. कैरेक्टर एंड प्लॉट शुड बी हार्मोनियसली ब्लेंडेड इन आइडियल ट्रेजेडी. Modern dramatists have explored the deep recesses of human mind. They have repressed the abnormal and strange impulses of man, but too much of this can be hamper dramatic art. Too much of subjectivism and psychological interest can lead to dramatic lyrics, but not to successful drama
God, for example, with all its poetic genius, did not surmount his pitfall. His reflective emotional character, who view life through the medium of individual feeling, seldom have the requisite energy to carry out a tragic action. As S.H. Butcher comments, drama demands a balance between plot and character. Drama is a representative of a complete and typical action whose lines converge on determined end. Drama representative hai complete aur typical action ka, jiski jo lines hai wo converge hoti hai. Converge kise kehte hai? Ek jagah pe ikatthe ho jana. On a determined end, which evolves out of human will in such manner that the action and character are in each in turn outcome of the other. अब वो जो सारे एक्शंस होते हैं, वो जो लाइंस होती हैं, वो कन्वर्ज हो जाती हैं एक डिटरमाइंड एक्ट पे, एंड पे, और जो कि इवॉल्व आउट करता है इंसान की विल को इस तरीके से कि एक्शन और कैरेक्टर दोनों एक दूसरे का आउटकम नजर आते हैं. ड्रामा रिक्वायर्स अ फ्यूजन ऑफ द टू एलिमेंट्स, प्लॉट एंड कैरेक्टर. कंक्लूजन. When Aristotle says that a tragedy can be possible without character but not without plot, it is not to be noted that he is not saying that tragedy without character is ideal time. Indeed, he says that a poet should utilize all the formative elements of tragedy to produce an ideal tragedy. He is merely talking of the possibility of drama with or without one or the other element. The characters cannot act without reference to the situation in which they are placed. Characters ko jo hai, cannot without reference to situations, उनको नहीं act करना चाहिए जिसमें उसको रख दिया जाता है. Does the situation influence their very feeling, the very motives that spring them to action? In this sense, plot becomes fundamental to drama. A passive character will produce no action, as such has no place in drama. It is unfortunate that Aristotle has not discussed an essential aspect of drama, namely conflict. The tragic action is in essence the outcome of conflict, and to be tragic, the conflict must be both inside and outside man. It is out of the conflict that plot and character both develop. Ultimately, however, plot is the first necessity of drama, artistically speaking. ठीक है, ये आपका आज का जो टॉपिक है वो एंड हो गया. और उसने कहा कि जी प्लॉट ही जो है वो फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ ड्रामा है, अगर हम आर्टिस्टिकली भी इसको इस पे बात करें तो. हाँ जी, क्लास आ गई समझ.